हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल का ब्लॉग्स में। और दोस्तों, ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज जो हम यात्रा करने वाले हैं वो यात्रा है देवों की नगरी उत्तराखंड हरिद्वार की, जहां बाबा का धाम है हरिद्वार, वहां की यात्रा करने वाले और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो चलिए उनसे पहले मिलेंगे और उसके बाद हम चलेंगे हरिद्वार। तो चलिए, आज का जो ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल हम यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं और हमारी बस आने वाली है थोड़ी देर में, तो हम वहाँ जाके फिर बस पकड़ते हैं और उसके बाद आपके साथ जर्नी करते हैं। और बने रहिए इस तरह ही ब्लॉग में और आगे हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड परिवहन निगम बस स्टैंड हरिद्वार। तो हमने 6 घंटे की पूरी दूरी तय करके यहां आ चुके हैं उत्तराखंड में। अब चलिए आगे का रास्ता तय करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग अभी हरिद्वार में जो हर की पौड़ी घाट है वहाँ पे आ चुके हैं, बस अब पुल पे हैं और हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का आगे का नज़ारा और यूं ही आनंद लेते रहिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। दोस्तों फाइनली हम लोग घाट पे आ गए हैं। आप देख सकते कितना भीड़ है मेरे पीछे। और हाँ, वहाँ से आते समय काफ़ी भीड़ों का सामना करना पड़ा हमें, तो रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, थोड़ा लेट पहुँचे आज। और ये हमारे साथ हैं सानू भाई, ये भी आए हमारे साथ ही, हाय बोलो। हाय। और ये सोनू, तो एक रितेश है जो अभी गया है शायद कहीं बाहर गया, अभी आ रहा है वहाँ से। तो ये देखिए कितना भीड़ नज़र आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी भीड़ है। तो पूरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए और यहाँ का लुत्फ़ उठाइए, कितना मज़ा आ रहा है। जैसे कि लोग यहाँ पर देखिए नहा भी रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो नहा रहे हैं और बहुत ही भीड़ है और देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो हम आगे भी वीडियो जारी रखेंगे, तो आप ब्लॉग में बने रहिए और चलिए पूरा वीडियो दिखाते हैं आपको। फिर धीरे से आए बोल रहे थे, रितेश भी आ गया है और अब हम चारों लोग चलते हैं, थोड़ा इधर से घूम के आते हैं। तो चलिए चलते हैं।
सब स्नान करने के लिए। आज सोमवार भी है और हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा भीड़ देखने को मिला दिन भर, लेकिन अभी शाम का समय हो चुका है, करीबन 4:30 बज रहा है, तो अभी भी बहुत ही लोग भीड़ है यहाँ पे, बहुत लोगों का आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे भी देखते हैं, आप ऐसे इंजॉय करते रहिए और आप भी हमारे साथ घूमते सीढ़ियों से। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से पीछे का दृश्य आप देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ से। दोस्तों जैसा कि अभी हम फिलहाल पुल पे आ चुके हैं और अभी हम पुल पे हैं और यहाँ से देखिए यहाँ से जो दृश्य दिख रहा है, अब ये घाट के जो पुल है घाट के दोनों घाट के बीच में है। यहाँ से देखिए ये साइड, ये लेफ्ट साइड वाला घाट है और इधर दूसरे बगल जो है ये राइट साइड वाला घाट है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से और वहाँ देखिए सब हर घाट पर आपको आदमी देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। चलिए अब हम इस पुल से नीचे उतरेंगे और देखिए पुल पर भी इतनी सारी भीड़ है कि उतरने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग हरकी पौड़ी के मेन घाट पे आ चुके हैं और यहाँ से ये प्रवेश द्वार है, यहाँ मुझे सारी व्यवस्था ठीक लगी, लेकिन दोस्तों ये व्यवस्था देखिए अब चप्पल रखने की जो बहुत ही ख़राब व्यवस्था है यहाँ पे, क्योंकि चप्पल का कोई निर्धारित जगह नहीं, कोई इधर कोई उधर रख रहा है, जो कि जिससे कि चप्पल खोने का काफ़ी डर है। तो कृपया आप लोग जब यहाँ पर आएँ तो अपने चप्पल का ध्यान रखें और साइड में किसी जगह पर साइड में रख कर फिर अंदर जाएँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और घाट पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब नहाने की तैयारी चल रही है, तो ये रितेश, सोनू और सानू तीनों नहाने के लिए तैयार हो गए और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ का आनंद ही कुछ और है, लोगों को देख के और ही और ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब नहाने की जल्दी है। चलिए पहले ये तीनों नहा के आते हैं फिर मैं जाऊँगा नहाने। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा, गंगा में डूबे नहाए मन रावण, जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा, गंगा में डूबे नहाए मन रावण, जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा, गंगा में डूबे नहाए मन रावण, जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग अब स्नान करके घाट पे आ चुके हैं वापस, क्योंकि अभी जो आरती का समय होने वाला है इसलिए बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि आरती का समय होने वाला है, तो लोग जो भी स्नान कर रहे हैं फिलहाल वो ऊपर घाट पे आ जाए क्योंकि आरती प्रारंभ होने वाली है, तो इसलिए हम लोग अब ऊपर आ चुके हैं। दोस्तों सच बताओ तो यहाँ आने के बाद इतना आनंद आ रहा है कि मैं कैसे आप लोगों को बयां करूँ, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ देखिए तरह तरह के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे और इतना ज़्यादा भीड़ है और इतना आनंदमयी वातावरण, जो मैं क्या बताऊँ, लग नहीं रहा कि यहाँ से अब जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि घाट पर इतनी सी इतना आनंद मिल रहा है मन को। तो आप लोग भी, मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि आप लोग भी हरिद्वार घूमें, क्योंकि देवों की नगरी है, सच में यहाँ देव का वास है। और बहुत ये अब हम लोग ब्रह्मकुंड हरकी पौड़ी पर अभी फिलहाल हैं
और बहुत ही आनंद है यहाँ पर दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फिलहाल अभी अब आरती का समय हो चुका है तो हम आरती का आनंद लेंगे। दोस्तों अब आप लोग यहां देख रहे हैं कि एक भी जो आसन है गंगा माता का जिनको मंदिर में विस्थापित था, अब उन्हें उठा करके जो पुजारी द्वारा उन्हें किनारे में विस्थापित किया जा रहा है क्योंकि आरती का समय हो चुका है। तो माता का जो आसन है उसे किनारे में स्थापित किया जा रहा है ताकि वहाँ पे सभी लोगों के सामने, मतलब सभी लोग आरती का लुत्फ़ उठा सके और वहाँ पे आनंदमय हो चुके माता के भक्ति में। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे आप विस्थापित हो चुकी है माता, जय गंगे माता, जय गंगे।
बाद फिर और रात में देखिए जहाँ तक घूम पाएँ, क्योंकि वैसे भी खर्चे से हैं, फिर थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल तो रूम देखना। इससे काम चल जाएगा। अब बस ये इतना बड़ा बेड है जिस पे हम चार लोग हैं आ सकते हैं। अगर उससे कोई प्रॉब्लम हुई तो एक और इधर गत्ता दे रखा है तो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब घूमने आए हैं, हमें तो यहाँ रहना है नहीं, तो इसलिए बस रात काटनी है। तो बस दोस्तों जो कंफर्टेबल हमें लगा हमने ये रूम ले लिया, और बस अब थोड़ा सा फ्रेश होकर के हम लोग जाते हैं बस खाना खाने बाहर, और फिर खाना खा के आते हैं। और उसके बाद कल सुबह जस्ट हमारी मुलाकात होगी एक नए तरह से, और फिर उसके बाद और भी कई जगह है जहां हमें घूमना है। तो चलिए मिलते हैं सुबह। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है, और आगे बने रहिए क्योंकि आगे और भी खास चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। थैंक यू।